हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडएक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप स्टॉक्स पर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को कैसे बाय करते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप किस तरीके से आप स्टॉक्स के अकाउंट पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। उससे पहले, अगर आपने अभी तक आप स्टॉक्स पर अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही अपने आप स्टॉक्स के अकाउंट पर आओगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब जिस भी स्टॉक्स में आपके लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या जिस भी स्टॉक्स को आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, उस स्टॉक्स को आप यहाँ से सर्च करोगे। सर्च करने के बाद उसको आप यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद जब भी आपके लिए उसको बाय करना है या उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस स्टॉक्स का चार्ट ओपन हो गया। अब हमारे लिए बाय करना है तो हम बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिखाई देगा, स्टॉक्स को बाय करना है या सेल करना है। सेल हम इंट्राडे में करते हैं, जिसको हम शॉर्ट करना भी बोलते हैं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो बाय पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी रहेंगे और इंट्राडे, दो ऑप्शन दिखाई देंगे आपके लिए, डिलीवरी का और इंट्राडे का। डिलीवरी का मतलब है कि जितने भी स्टॉक्स आप यहाँ पर बाय करोगे, जितनी भी उन स्टॉक्स की वैल्यू होगी, वो पूरे रुपए आपके लिए यहाँ पर पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए कोई भी लेवरेज नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में बाय करते हो तो यहाँ पर आपके लिए 5x का लेवरेज मिलता है। यानी अगर आप 10,000 रुपये से किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हो तो आप 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, यानी कि 5x का आपके लिए लेवरेज मिलता है। यहाँ पर हम क्वांटिटी डालेंगे, कितनी क्वांटिटी हमारे लिए बाय करनी है। तो हम प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी रहने देंगे। क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आपके लिए यहाँ पर बाय करनी है उतनी क्वांटिटी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे आता है लिमिट प्राइस, यानी अभी जो स्टॉक्स की करंट LTP चल रही है, यानी करंट प्राइस चल रही है, वो चल रही है 262.95, यानी 262.90-80.85 वो चेंज होती रही है, इतने पैसे इसकी करंट प्राइस चल रही है। अब आप चाहते हो जैसे इसका प्राइस 260 पर आए, 250 पर आए या 150 पर आए, उस प्राइस पर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता रहूँ, तो उस प्राइस को आप यहाँ पर डालोगे। जो भी प्राइस आपके लिए डालनी है उस प्राइस को आप यहाँ पर डालोगे। तो जब भी स्टॉक्स का प्राइस उस प्राइस पर आएगा, जैसे अभी 262 चल रहा है, आप चाहते हो 250 में बाय करना, तो जब भी स्टॉक्स का प्राइस 250 पर आएगा तब उसमें उसको आप बाय करोगे, तो इसको बोलते हैं लिमिट प्राइस। तो लिमिट प्राइस आप डाल सकते हो। और अगर आपके लिए करंट प्राइस पर बाय करना है तो हम इसको ऑफ कर देंगे, तो इसकी जो करंट प्राइस चल रही है उस प्राइस पर हम इसको बाय कर सकते हैं। लिमिट प्राइस पर इसको बाय नहीं करते हम, किसको करंट प्राइस पर ही बाय करेंगे, तो हम इसको कर देते हैं ऑफ। उसके नीचे आता है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है कि जो भी प्राइस आप यहाँ पर डालोगे उस प्राइस पर आपका जो ऑर्डर है वो मार्केट में प्लेस हो जाएगा। यानी कि अभी करंट प्राइस चल रही है इसकी 262, अब अपन अगर तुम डालते हो 260 रुपये, तो 260 रुपये पर आपका स्टॉक्स मार्केट में प्लेस हो जाएगा। लेकिन जो आपने लिमिट प्राइस डाली होगी 250, आप बाय 250 पर ही होगा। 200 ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है केवल कि आपका ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो गया, उस प्राइस पर आप स्टॉक्स को बाय नहीं करते, तो आप यहाँ से ट्रिगर प्राइस डाल सकते हो। उसके नीचे आ जाती है वैलिडिटी, यानी कि अगर आप इंट्राडे के लिए बाय कर रहे हो तो आप डे पे क्लिक करोगे, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए क्लिक कर रहे हो तो आप IOC पे क्लिक करोगे। तो हम IOC पे यहाँ पर IOC को सिलेक्ट करेंगे, और उसके नीचे ऑप्शन आता है डिस्क्लोज क्वांटिटी का, यानी आप कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हो। अगर आप एक क्वांटिटी मार्केट में शो नहीं कराना चाहते तो आप इनको डिस्क्लोज क्वांटिटी को यहाँ पे ऑफ कर दोगे, और अगर आपके लिए शो कराना चाहते हो तब इसको ऑन कर सकते हो। अब बाय करने के लिए हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब कितनी क्वांटिटी बाय कर रहा हो आप यहाँ पर देखोगे, प्लस में एक आ रहा है, यानी कि हम एक क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट करते हैं या सेल करते हैं तो माइनस में आता है। किस प्राइस पर बाय कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे मार्जिन कवरेज, यानी कि एक शेयर के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ रहा है, 262.55। चार्जेस कितने लगेंगे आपके, 7.79 रुपये। जब बाय कर रहे हो तो आपके लिए इतने रुपए चार्जेस के रूप में देने पड़ेंगे टैक्स। एस्टिमेट टोटल कॉस्ट कितनी है, 270.74, यानी इतने रुपए का शेयर है, इतना आपका टैक्स लगेगा। टोटल आपके लिए 270 रुपये पे करने पड़ेंगे एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इतना करने के बाद यहाँ पर आप इसकी नॉलेज ले सकते हो। इसको हम करेंगे स्वैप टू सबमिट ऑर्डर पे क्लिक। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखो कि हमारी होल्डिंग में ये आ चुका है। अब इस पर हमारा जो भी प्रॉफिट हो चल रहा होगा वो आपके लिए यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ दे सकते हो -0.15, 0.5, और ऊपर जाएगा स्टॉक्स तो हमारा प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा स्टॉक्स तो हमारा यहाँ पर लॉस दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका और हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाय कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म में जब हम बाय करते हैं स्टॉक्स को, तो वहाँ पर जितनी भी स्टॉक्स की प्राइस चल रही होती है उस प्राइस को हमारे लिए पूरा पे करना पड़ता है। जब इंट्राडे में बाय करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए 5x का लेवरेज मिल जाता है।
तो दोस्तों इस तरीके से आप अपस्टॉक्स के अकाउंट पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।